हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम टर्म वन बुक. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, हु कैन टेल मी? यस, द पैरट हु वुड नॉट टॉक. सो डियर स्टूडेंट्स, डिड यू रीड द चैप्टर, होल चैप्टर? हैव यू अंडरस्टैंड द चैप्टर? नो, समथिंग इज रिमेनिंग टू अंडरस्टैंड. वेरी गुड, मीन्स वी हैवेंट कम्प्लीट द होल चैप्टर. हमने पूरे चैप्टर को ख़त्म नहीं किए थे. ओके, गुड. सो हाउ फार वी आर, कैन एनी बॉडी टेल मी? ओके, वी आर इन पेज नंबर सेकेंड एंड सी हियर एट द सेम टाइम्स. सो हाउ मच यू हैव लर्नड और हाउ मच यू हैव रीड, प्लीज़ टेल मी. डिड यू फाइंड एनी हार्ड वर्ड और न्यू वर्ड्स? डिड यू कॉपी इट इन योर नोटबुक? आपको अभी तक कुछ हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स मिले हैं जो आपके लिए न्यू है, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है? या आपने कॉपी कर लिया है ना आपके नोट कॉपी में? नहीं किए हैं? अच्छा, इनको पढ़ने के बाद ही करोगे. ओके, नो प्रॉब्लम. सो डियर स्टूडेंट्स, अप टू नाउ व्हाट आर द थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? अभी तक हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीख लिया है, कौन सी ऐसी चीज सीख ली है? ओके, मीन्स यू वांट टू टेक अ रिवीजन अबाउट इट, नो प्रॉब्लम. एज आई सेड दैट दिस इज द लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी बाय द ग्रेट ऑथर रास्किन बॉन्ड. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट हियर, ही इज द मैन, हिज नेम इज मिस्टर रास्किन बॉन्ड, एंड ही इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट लव्ड स्टोरी टेलर. ये बहुत ही स्टोरी मीन्स कहानी के जो टेलर होते हैं, है ना, जो बताते हैं ना, ये बेस्ट थे. और ही हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ लाइफ हिज लाइफ इन देहरादून. इनके जो लाइफ के ज़्यादातर समय इन्होंने कहाँ पे बिताए, देहरादून में. एंड लव्स राइटिंग अबाउट द फॉरेस्ट, हिल स्टेशन एंड पीपल ऑफ हिज रीजन. ये इन्होंने, इनको क्या ज़्यादा पसंद थे ना, ये फॉरेस्ट के बारे में लिखना और हिल स्टेशन, पहाड़ पर्वतों के बारे में लिखना. ओके, और पीपल के बारे में भी लिखना. तो ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी इन्होंने ही लिखे थे. इनके एक एक्सपीरियंस है इनके लाइफ के, ये जो स्टोरी. ओके, तो व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप इन मसूरी, इन्होंने जब मसूर में बड़े हो रहे थे, तब इन्होंने देखे थे कि इनके जितने सारे नेबर्स थे, हिज नेबर्स है, मोस्ट ऑफ द नेबर्स, दे वेयर कीपिंग पैरोट और पैराकीट एज ए पेट. वो लोग पैरोट और पैराकीट रखते थे एज ए पालतू जानवर. एंड दे वेयर ट्राइंग टू टीच दोज पैरोट्स. सो इन हिज होम ऑल्सो हिज आंट रूबी, शी वॉज ऑल्सो कीपिंग अ पैरोट एंड ट्राई टू टीच हिम मैनी वर्ड्स, बट दैट पैरोट टोटली रिफ्यूज टू टॉक एनी थिंग बिहाइंड हर आंट, सॉरी हिज आंट. उनके घर पर भी एक पैरोट थे, जो पैरोट टीच किया जा रहे थे आंट रूबी के द्वारा, बट जो वो पैरोट थे वो टोटली रिफ्यूज किए थे, माना कर दिए थे, मीन्स वो चाहते ही नहीं थे कुछ भी बात करना. ओके, दैट्स वाई दैट आंट रूबी वॉज बिकम वेरी एंग्री एंड शी वॉज ऑलवेज सेइंग दैट यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस डांस टू द पैरोट. सो दैट पैरोट ऑल्सो become angry and it was seen, it was also one day pull out his aunt's spectacle. Okay, one afternoon what happened, one afternoon the author while feeding the parrots green chilies, slice of papayas, he forgot to close the cage door, means by mistakenly he left the cage door open. That time that parrot flew away and sat in a mango tree. एक दिन दोपहर के टाइम क्या हुआ था, ऑथर जैसे वो ऑथर क्या था, स्पीकर थे चार्ज में वो पैरट को खिलाने के लिए, तो उन्होंने बाय मिस्टेकली डोर के जो सॉरी केज के जो डोर थे उन्होंने खुले ही छोड़ दिए थे. तो उसी टाइम पैरट क्या था,
भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे ना, वो केज को छोड़ के, और कहाँ पे बैठे थे ना, एक मैंगो ट्री पे। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, लेट्स रीड हियर। सी, एट द सेम टाइम ग्रैंडफादर केम टू द बरेंदा एंड सेड, आई सी योर आंट्स पैरोट हैज एस्केप्ड। उसी टाइम ग्रैंडफादर बाहर आए और ही सॉ दैट हिज आंट्स पैरोट वॉज नॉट देयर, ही हैज स्केप्ड। वो चले गए थे, बाहर हो गए थे। आई एम वेरी सॉरी, आई लेफ्ट द डोर ओपन बाई मिस्टेक, आई सेड, द स्पीकर सेड, आई एम वेरी सॉरी, आई लेफ्ट द डोर ओपन बाई मिस्टेकली। आंट रूबी वॉज वेरी अपसेट, सी वॉन्टेड टू बाय अनदर पैरोट, वी प्रोमिस टू बाय हर अ बोल ऑफ गोल्ड फिश स्टेड। आंट रूबी वॉज अपसेट, वो दुखी थे। सो एंड अगेन सी वॉन्टेड टू बाय अ पैरोट, बट उनके जितने और भी लोग थे, मीन्स ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और स्पीकर, दे सेड आंट रूबी प्लीज बाय अ गोल्ड फिश इंस्टेड ऑफ पैरोट, पैरोट को छोड़ के आप गोल्ड फिश खरीद लीजिए। आई थॉट दैट वी वुड नेवर सी द पैरोट अगेन, बट मे बी ही मिस्ड माई ग्रीन चिलीज। अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड द बर्ड सिटिंग ऑन द वरिंदा रेलिंग एंड लुकिंग एट मी, अनसेल्फिशली आई गेव हिम हाफ ऑफ माई मैंगो। ऑथर थॉट कि ये जो पैरोट चले गए हैं, है ना, उड़ के चले गए, उनको और कभी वापस नहीं देख पाएंगे। बट एक दिन क्या हुआ, उन्होंने फ्यू डेज लेटर, फ्यू कुछ दिन बाद, दैट बर्ड अगेन सिटिंग, मीन्स वो बर्ड वापस आए और उनके बारे में बैठे थे और ऑथर को अनसेल्फिशली देख रहे थे। फिर उन तो फिर ऑथर ने क्या किया, उनको कुछ शर्त ना छोड़ के उनके जो हाफ ऑफ मैंगो थे, आधा थे मैंगो के, वो उन्होंने बर्ड को दिए, पैरट को। जस्ट देन आंट रूबी केम आउटसाइड एंड क्राइड आउट, उसी टाइम आंट रूबी क्या है, बाहर आए और द क्राइड मीन्स चिल्लाए, दैट लुक इट्स माई पैरोट, ही मस्ट हैव मिस्ड मी। आंट रूबी बाहर आके बोला, देखो सभी, ये मेरी पैरोट है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। ओके, सी, क्विकली द पैरोट फ्लू टू द नियरेस्ट रोज बोश। जैसे ही आंट रूबी बाहर है, वो भी पैरोट भी बहुत जल्दी क्या किया, उनके रोज गार्डन में है, सी हियर रोज गार्डन, वहाँ पे जाके बैठ गए। ही लुक्ड एंग्रीली एट माई आंट एंड श्रिंक्ड, मीन्स वो भी बहुत क्या थे, वो एंग्री होके आंट रूबी को, मेरे आंट रूबी को देख रहे थे, एंड श्रिंक्स मीन्स बहुत जोर से चिल्लाए, क्या चिल्लाए, यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। ये जो 3 वर्ड्स आंट रूबी पैरोट को सिखा रहे थी, बट वो अभी क्या है, ये पैरोट वापस आंट रूबी को बताने लग गए। नेक्स्ट क्या हुआ, आंट रूबी टर्नड रूबी रेड एंड रैन इनसाइड। रूबी टर्नड रूबी रेड मीन्स आंट रूबी फेस टर्नड बिकम रेड, बिकम शी वॉज फीलिंग एशेम्ड। फिर उनको क्या हुआ, एशेम्ड मीन्स थोड़ा सा शर्म आ गए कि मैंने इस तरह की ट्रीट कर रही थी पैरट को, और वही पैरट अभी सीख गए ये सब बात करने के लिए। दैट्स वाई वो क्या है, थोड़ा उनको खुद को नर्वस फील करने लगे। और देखो, यू कैन सी दिस आंट रूबी हाउ ही बी सी टर्नड हर फेस टू द इनसाइड द रूम एंड दैट इनसाइड द रूम द पैरोट बिकम ए रेगुलर विजिटर टू आवर गार्डन। अब इस पैरोट क्या है, रेगुलर मीन्स रोज के विजिटर बन गए हैं हमारे गार्डन में आने जाने के लिए। वेन एवर ही सॉ आंट रूबी ही वुड कॉल आउट, यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सी, कांट डांस। जब जब भी आंट रूबी को देखते थे ये पैरोट, वही बात बताने शुरू कर देते थे, चिल्लाते थे, क्राइड आउट दैट यू आर यूजलेस, तुम कोई काम के नहीं हो, कांट टॉक, बात नहीं कर सकते, कांट सिंग, गाना नहीं गा सकते, कांट डांस, डांस भी नहीं कर सकते। द पैरोट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल। यहाँ से आपको हमको समझ में आ रही कि जो कोई भी हुए है कुछ कोई बात नहीं, बट ये पैरोट जो थे ये भी बात करने सीख गए थे हमारी नेवर्स की पैरोट की तरह, ये सुनो। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर।
Now again you read it thoroughly and learn about more. Now next is our exercise from comprehensions. Okay, so first number is answer these questions. These question answers I will send you. You can note down in your copy. See, this is your answer sheet. Dear students, इस तरह की अगर आप answer sheet बना लोगे, नोट कॉपी में आप नोट कर लोगे तो ये रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए भी और ये कभी लूज नहीं आएंगे. ओके, तो इस तरह से आपको नोट कॉपी बनाना है. और ये जो है ये न्यू वर्ड्स है, कुछ न्यू वर्ड्स मैंने मीन्स 8 न्यू वर्ड्स है जिनके मीनिंग्स आपको आपके कॉपी में लिखना है हिंदी मीनिंग के साथ और लर्न भी करना है. सो थैंक यू वेरी मच. Have a good day.